राज्य सरकार ने जिला सहकारी मर्यादित बैंक राजनाथ गांव के बोर्ड को निलंबित कर दिया है। बोर्ड पर कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा और बैंकिंग सदस्यों के हितों के विरुद्ध कार्य करने के आरोप के तहत यह कार्रवाई की गई। इससे पहले सरकार ने बोर्ड के सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बैंक पर गंभीर अनियमितताएं और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन का पालन नहीं करने का आरोप था। बताया जा रहा है कि बोर्ड पर किसानों को समय पर कर्ज माफी नहीं मिलने का आरोप भी लगा था, जिसकी वजह से सरकार ने जिला सहकारी मर्यादित बैंक राजनाथ गांव के बोर्ड को निलंबित करने का फैसला लिया है। अब निलंबन पश्चात इस बोर्ड की जिम्मेदारी कलेक्टर सहित नाबार्ड और उप पंजीयक के सदस्यों के हाथों में होगी। कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पारित आदेश बैंक को प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग द्वारा बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है और निलंबन अवधि में सामान्य बैंकिंग कार्य संचालन हेतु एक समिति प्रबंध समिति का गठन किया गया है, जिसका प्रभार माननीय कलेक्टर राजन राव को दिया गया है।